मेरे वालों तुहानू सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज की वीडियो दे विच आपां गल करांगे कि कनेडा दे विच तुसीं कार मकैनिक किवें बन सकते हो। इन्हें तुहानू पता ही है कि कनेडा दे विच कार मकैनिक की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि लगातार उत्थे गड्डियां ही चलदियां ने। इस करके रूटीन दे विच गड्डियां दी मकैनिक करन दे लई उत्थे कार मकैनिक की लोड़ पैंदी रहिंदी है। तां कनेडा दे विच तुसीं कार मकैनिक किवें बन सकते हो, उहदे रिगार्डिंग अज की वीडियो विच आपां गल करन जा रहे हां। जी कार मकैनिक की जॉब है स्किल्ड ट्रेड जॉब के अंडर आती है। ये की है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड है, सैलरी पैकेज भी वधिया मिलता है। अगर तुम उत्थे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट काम कर रहे हो अते फ्यूचर के अपना कैरियर तुम कार मकैनिक के फील्ड के जाके बनाना चाहते हो तो अज की वीडियो थोड़े लिए है, क्योंकि ये अपने बहुत ही सौखे ढंग के नाल फ्यूचर के सैटलमेंट कर सकते हो। सब तो पहले तो पी आर होनी जरूरी है। तुम कनेडा की पहला पी आर लो, तो पी आर लैन तो बाद उसे किसी कॉलेज के एडमिशन लै लो जिथे कि तुम सारी ट्रेनिंग दिखती जाएगी। उस तो बाद एग्जाम भी होंगे, एग्जाम देने तो बाद लाइसेंस भी लै सकते हो। पार्ट टाइम काम भी स्टार्ट कर सकते हो जिदे की है तुम्हें एक्सपीरियंस मिलता रहता है। सैकंड ऑप्शन हैगी है कि तुसी किसी भी कंपनी के कोल काम स्टार्ट कर लो, इन्हों अप्रेंटिसशिप कहते हैं। ये की है एम्पलॉयर तुहानू सपोर्ट करता है, तुहाडे ते कोई फीस नहीं हुंदी, बस तुसी अपना एग्जाम क्लीयर करना हुंदा है। ज्यादा डिटेल दे विच गल करदे आं आपां अप्रेंटिसशिप बारे। अप्रेंटिसशिप की चीज़ है, तुसी कनेडा दे विच किसी भी सर्टिफाइड मकैनिक दे कोल जाओ जिदा कि अपना काम अपना बिजनेस चलता हो जां अपनी खुद की कंपनी हो, उत्थे जाके तुसीं उन्हां नूं कहना है कि तुसीं अपने आप नूं इस फील्ड दे विच लैके जाना चाहुंदे हो, तां उह कंपनी तुहानूं परमिशन दे दिंदी है ते तुसीं उस कंपनी दे अंदर काम कर सकदे हो। फिर 3 तों 4 साल तक तुहानूं लाइसेंस लैण नूं लगदे ने। जदों तुहाडी अप्रेंटिसशिप लग जाती है तां नाल ही तुसीं अपने आप नूं कॉलेज दे विच वी रजिस्टर्ड कर सकदे हो। तुहानूं करना चाहिए अपने कॉलेज दे विच रजिस्ट्रेशन करवा लैणी चाहीदी है। इस तो बाद तुहाडी बेसिक जॉब जिहड़ी है वो स्टार्ट हो जाती है, जितों तुहानूं 18 तों लैके $20 तक की इनकम होंदी है प्रति घंटे के हिसाब से। 3 तों 4 साल तुहाडे इस जॉब के लगते हैं। इस विच तुसीं 720 घंटिया की स्टडी कंप्लीट करनी होंदी है, 720 घंटिया की। अते इस दे विच तुहाडे 3 एग्जाम होंदे ने, Level 1, Level 2 ते Level 3। अते फाइनल एग्जाम उदों हुंदा है जदों तुसीं 6500 घंटे उत्थे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे पूरे कर लैंदे हो। इह एग्जाम थोड़ा तकरीबन 4 साल दे बाद हुंदा है, क्योंकि सारे प्रोसैस नूं तकरीबन 4 साल का समा लग जाता है। फिर 4 साल बाद तुसीं एग्जाम दे के सर्टिफाइड मकैनिक बन जाते हो। उदों तुहाडा जिहड़ा सैलरी पैकेज है वह हुंदा 28 तों लैके $30 तक। जिवें जिवें तुहाडा एक्सपीरियंस वधी जांदा है उवें उवें तुहाडा फिर सैलरी पैकेज भी वधदा जांदा है। हुण तुसीं 2 ढंग दे नाल अपने काम नूं स्टार्ट कर सकते हो। जो तुसीं सर्टिफाइड मकैनिक बन गए तां फिर सब तों पहला इक तुसीं किसे वधिया कंपनी दे विच जाके जॉब कर सकते हो, तो तुहाडा सैलरी पैकेज वधिया होएगा। सैकंड हैगा तुसीं अपनी खुद की गैराज खोल सकते हो। खुद की गैराज खोल के उत्थे भी तुसीं बहुत ही वधिया ढंग दे नाल अपना सैलरी पैकेज लै सकते हो। जिवें जिवें तुहाडे कोल एक्सपीरियंस आई जाएगा तुहाडा सैलरी पैकेज वधदा जाएगा। इस ढंग दे नाल जिहड़े इंटरनेशनल स्टूडेंट ने कनेडा दे विच कार मकैनिक दा काम करके अपने फ्यूचर नूं वधिया ढंग दे नाल सैटल कर सकते हैं। अज दी वीडियो विच इन्ना ही जानकारी है तुहाडे लई। ज़्यादा डिटेल दे विच कुछ पूछना चाहुंदे हो, किसी तरह दे तुहाडे मन दे विच कोई डाउट है अपने डाउट नूं क्लीयर करन दे लई, तुसीं साडे पिछे दे नंबर दे उप्पर कॉन्टैक्ट करके साडे नाल गल्लबात कर सकते हो। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। थैंक यू।